जय श्री कृष्णा। वास्तव में प्रत्येक जीव कहीं ना कहीं किसी विशेष बंधन से बंधा हुआ है, क्योंकि यह संसार ही बंधनों का कारण है। हम चाहकर भी इस बंधन से नहीं छूट सकते हैं। और हमारे जीवन में दुख क्या आते हैं, इनका कारण क्या है? तो बंधन ही दुखों का कारण है। और जब तक हम इन दुखों इन बंधनों से बंधे रहेंगे, तब तक हमें भगवान की प्राप्ति नहीं मिलने वाली है। ये सत्य है, क्योंकि जब तक हम इन बंधनों से मुक्त नहीं होते, तब तक हम भगवान की तरफ कैसे बढ़ सकते हैं? इस संसार में हमने जब से जन्म लिया है, तब से ही किसी न किसी बंधन में बंधते ही चले आ रहे हैं। पैदा होते ही संसार में रिश्ते नातों का बंधन शुरू हो जाता है। माता पिता, भाई बहन, मामा बुआ फूफा और न जाने कितने सारे रिश्ते जन्म लेते ही बन जाते हैं, और सारी जिंदगी इन रिश्ते नातों को खुश करने के चक्कर में चली जाती है। लेकिन फिर भी हम किसी को खुश नहीं कर पाते। बंधन सिर्फ रिश्तों का ही नहीं होता है, बल्कि हमने इस संसार में जिस व्यक्ति, वस्तु, मकान, नौकरी या अन्य कुछ भी जिससे हमने खुद को जोड़ रखा है, वो भी बंधन ही है। और ये सारे दुख के कारक हैं। अगर इन सब में भगवत तत्व नहीं है, तो ये सब माया जाल है। यहाँ तक कि हम किसी एक स्थान या जगह पर ज़्यादा देर रुक जाएं, तो हमको उस जगह से भी मोह होने लग जाता है। फिर उस जगह पर रहने वाले व्यक्तियों का हमें इतना मोह हो जाता है कि उस जगह को त्यागने पर हमारे मन में दुख होता है। ये सारी चीज़ें हमें भगवान में मन लगाने से रोकती हैं, क्योंकि जब तक हमारा मन कहीं दूसरी जगह बंधा हुआ है, तो फिर भगवान में कैसे लगेगा? आदमी तो सुख दुख के बंधनों से भी बंधा हुआ होता है। जैसे अगर हमारे जीवन में सुख हैं, तो हम उन्हें भोगने लग जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा सुख के संसाधनों को जुटाने में लग जाते हैं। और यदि दुख हैं, तो उन दुखों के कष्टों से निवारण में लग जाते हैं। दोनों ही परिस्थितियों में हम भगवान की तरफ नहीं मुड़ पाते, सुखों को भोगने में और दुखों को काटने में। यहां तक कि गीता जी में तो पाप और पुण्य को भी बंधन का कारण माना गया है, क्योंकि हम जो अच्छे बुरे कर्म करते हैं, उनका फल तो हमें यहीं पाना है ना। अगर हमने बुरे कर्म किए हैं, तो भी उनके फल हमको यहीं भोगने हैं, और अगर अच्छे कर्म किए हैं, तो भी हमको यहीं भोगने हैं, इस जन्म में नहीं तो जब तक हमारे कर्मों के फल से हम मुक्त नहीं हो सकते, तब तक हमको इस जन्म मरण के चक्कर में आना ही पड़ेगा। इसलिए अगर हम वास्तव में इन बंधनों से मुक्त होना चाहते हैं, तो एकमात्र उपाय है भगवान के शरणागत होना। अब बहुत सारे कहेंगे कि भाई ये तो इनसे तो पीछा नहीं छूट सकता हमारा, संसार में रहेंगे तो कर्म ही करने पड़ते हैं, नाते रिश्ते भी निभाने पड़ेंगे, सुख दुख भी आते हैं। तो हाँ, आते हैं, और ये हर किसी के जीवन में आते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है, अगर हम परिवार में रहकर कर्म कर रहे हैं, तो ये सोच के करो कर्तव्य भाव से कि बस मेरा परिवार के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरे माता पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, पत्नी और बच्चों के प्रति क्या कर्तव्य है। उनसे मोह मत बांधो, और जितने भी कर्म हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, भगवान के लिए करो। हम आरती में रोज बोलते हैं ना, तेरा तुझे को अर्पणी क्या लागे मेरा। ये भाव जब हम मन में रखेंगे और संसार में कर्म करते रहेंगे, तो फिर हम कर्मों के बंधन से छूट सकते हैं, तो हम संसार के बंधन से छूट सकते हैं।
इसलिए संसार में कर्म करते रहो, संसार में रिश्ते नाते निभाते रहो, लेकिन उन अपने कर्मों में भगवान को माध्यम रखो। ये सोचकर कर्म करो कि भगवान आपके लिए जो भी कर रहा हूँ सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ, ताकि मैं आपको भज सकूँ, मेरा मन इन संसार के बंधनों से मुक्त रहे, जिससे मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए समय निकाल सकूँ। अगर ये सोचकर हम संसार में रहेंगे तो हमारा भगवान से एक रिश्ता भी बना रहेगा, और तब जाकर हमें इन बंधनों से मुक्ति भी मिलेगी और परम आनंद की प्राप्ति होगी। तो जय श्री कृष्णा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइबर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें तथा दूसरों को भी भेजते रहें, जिससे कि हर किसी को इस कलयुग में एक भगवत प्रेम की छोटी सी बूंद मिलती रहे। जय श्री कृष्णा।